अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको केक की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये बहुत ही इजी और सिंपल केक है। उसके लिए मैं यहाँ पे हाफ कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एक कप चीनी, एक कप मैदा, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, फुल टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 4 eggs। सबसे पहले मैं अंडों को और चीनी को ग्राइंड कर लूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। अंडे और चीनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं एक बाउल के अंदर इसे निकाल लूंगी। अंडे और चीनी के मिक्सचर में मैं अब आहिस्ता आहिस्ता मैदा ऐड करती जाऊंगी और इसे साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐड करने से इसके अंदर गुठली नहीं बनती। अब मैं इसके अंदर बाकी मैदा और साथ ही बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। इस बैटर को मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं एक दूसरा बाउल लूंगी। आपने जिस शेप का केक बनाना हो वो शेप का बाउल ले सकते हैं। इस बाउल के अंदर मैं केक बनाऊंगी। इसके अंदर पहले मैं ऑयल डालूंगी और इसे टिश्यू पेपर की मदद से पूरे डिब्बे में फैला दूंगी। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद मैदा इसके अंदर ऐसे फेंकेंगे। और इसे ऐसे कर लें ताकि हर तरफ लग जाए। इस तरह से केक इसे चिपकता नहीं है। इसके अंदर मैदा डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। अब मैंने इसके अंदर जो बैटर तैयार किया था वो ऐड कर दूंगी। केक का बैटर ऐड करने के बाद इसे ऐसे हिला लेंगे ताकि ये लेवल में आ जाए। अब मैं ओवन के अंदर केक रख दूंगी और 4 मिनट का इसे टाइम लगा दूंगी। पूरे 4 मिनट मैंने इसे बेक किया। अब हम इसे पिक की मदद से चेक कर लेते हैं। ये देखें, केक बन चुका है तकरीबन। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। इसे मैंने डिब्बे से निकाल लिया है। अभी ये इसकी दूसरी साइड है। ये देखें, ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसकी सीधी साइड कर दूंगी। इस केक के ऊपर अब मैं क्रीम, बादाम क्रश किए हुए और चॉकलेट क्रश की हुई। मज़ेदार केक की रेसिपी मैंने बना ली है। आप इसे ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपको। इसके बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही कम वक्त में मैंने इसे तैयार किया है। मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है अंदर से। ये देखें, मैंने इसका एक पीस आपको कट करके दिखा दिया है। बहुत ही नरम और मज़े का है। आप इस तरह केक की रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।